हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल किड्स एडुकेशन। इन टुडेज वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द पोएम वोकेशन ऑफ योर क्लास सिक्स ICSE न्यू मलबेरी इंग्लिश बुक। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे पहले बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। ये जो पोएम है वोकेशन, इसके पोएट हैं रवींद्रनाथ टैगोर। उन्होंने काफ़ी सारी पोएम्स लिखी हैं और बहुत सारी स्टोरीज़ भी लिखी हैं। वो बहुत ज़्यादा फेमस है, आप में से कई लोग उन्हें जानते भी होंगे। तो उन्होंने ये पोएम लिखी है, तो ये पोएम बहुत ही ज़्यादा इजी है। लेट्स रीड द पोएम। व्हेन यू वेर यंगर डिड यू एवर विश डैट यू वेर समवन एल्स और डैट यू कुड डू समथिंग डैट वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ योर डेली रूटीन। लेट अस रीड अ पोएम डैट एक्सप्रेसेस अ सिमिलर विश। जब हम बच्चे रहते हैं तो हम अक्सर किसी और को कोई काम करते हुए देखते हैं तो हमारा मन करता है कि काश हम उसकी जगह होते, हम भी वो काम कर रहे होते। हमें अपना रेगुलर जो स्कूल लाइफ होता है वो अच्छा नहीं लगता। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ भी होती होंगी, तो पोएम में पोएट के साथ भी यही हो रहा है। लेट अस रीड अ पोएम डैट एक्सप्रेसेज अ सिमिलर विश। पोएट की भी यही इच्छा है कि वो अपनी ज़िंदगी में कोई और काम करे। व्हेन द गोंग साउंड्स 10 इन द मॉर्निंग एंड आई वॉक टू स्कूल बाई आवर लेन, एवरी डे आई मीट द हॉकर क्राइंग बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल्स, देर इज़ नथिंग टू हरी हिम ऑन, देर इज़ नो रोड ही मस्ट टेक, नो प्लेस ही मस्ट गो टू, नो टाइम वेन ही मस्ट कम होम। आई विश आई वेर अ हॉकर स्पेंडिंग माई डे इन द रोड क्राइंग बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल्स। जब घड़ी की में सुबह में 10 बजते हैं तो पोएट जो है वो कह रहा है कि मैं अपने स्कूल जाता हूँ रास्ते से। हर दिन मेरी मुलाकात होती है हॉकर से। हॉकर का मतलब होता है वो इंसान जो अपनी चीज़ों को खुद ही अपने साथ ले लेकर बेचता है। उसके पास कोई फिक्स शॉप नहीं होती, खुद अपने हाथ में वो चीज़ें कैरी करके बेचा करता है। और वो हॉकर क्या कहकर चिल्लाया करता था, चूड़ियाँ, कांच की चूड़ियाँ। उसे कोई किसी बात की जल्दी नहीं रहती, उसको उसका कोई भी रास्ता उसके लिए फिक्स नहीं है। वो कहीं भी जा सकता है, किसी भी वक्त वो घर वापस लौट सकता है। तो पोएट कह रहा है कि काश मैं एक हॉकर होता, पूरे दिन को अपने रोड पे बिताता और ये चिल्लाता चूड़ियाँ, कांच की चूड़ियाँ। व्हेन एट 4 इन द आफ्टरनून आई कम बैक फ्रॉम द स्कूल आई कैन सी थ्रू द गेट ऑफ दैट हाउस द गार्डनर डिगिंग द ग्राउंड ही डज वॉट ही लाइक्स विथ हिज स्पेड ही सॉइल्स हिज क्लोथ्स विथ डस्ट नो बडी टेक्स हिम टू टास्क इफ ही गेट्स बेक्ड इन द सन और गेट्स वेट आई विश आई वेयर अ गार्डनर डिगिंग अवे एट द गार्डन विथ नो बडी टू स्टॉप मी फ्रॉम डिगिंग। फिर जब शाम को 4 बजे छुट्टी होने के बाद पोएट जो है वो अपने घर आता है स्कूल से, तो वो किसी घर के अंदर गेट से देखता है कि एक गार्डनर, एक माली जो है वो ज़मीन की खुदाई कर रहा है। तो वो कहता है कि उसे ये देखकर बहुत अच्छा लगता है कि गार्डनर अब उस स्पेड से जो करना चाहे वो, स्पेड उस टूल को कहते हैं जिससे ज़मीन को की खुदाई की जाती है। तो पोएट कह रहा है कि उसे गार्डनर के जैसा बनना है, वो जो चाहे अपने स्पेड से कर सकता है, वो अपने कपड़ों में धूल मिट्टी भी लगा सकता है और कोई भी उसे इस बात के लिए डांटता नहीं है। अगर वो धूप में या फिर खड़ा रहता है या फिर वो गीला हो जाता है, इस बात के लिए उसे किसी से डांट नहीं सुननी पड़ती। काश मैं एक गार्डनर होता जो कि गार्डन में खुदाई करता और मुझे कोई भी खुदाई करने से रोकता नहीं। जस्ट एज इट गेट्स डार्क इन द इवनिंग एंड माई मदर सेंड्स मी टू बेड आई कैन सी थ्रू माई ओपन विंडो द वॉचमैन वॉकिंग अप एंड डाउन द लेन इज़ डार्क एंड लोनली एंड द स्ट्रीट लैम्प स्टैंड्स लाइक अ जायंट विथ वन रेड आई इन इट्स हेड द वॉचमैन स्विंग्स हिज लैंटर्न एंड वॉक्स विद हिज शैडो एट हिज साइड एंड नेवर वंस गोज टू बेड इन हिज लाइफ आई विश आई वेर अ वॉचमैन वॉकिंग द स्ट्रीट्स ऑल नाइट चेजिंग द शैडोज विथ माई लैंटर्न। जैसे ही रात में अंधेरा होता है और मेरी मम्मी मुझे बेड पे भेजती है, मैं अपने खुले खिड़की से बाहर झांकता हूँ तो मुझे ये दिखाई देता है कि जो वॉचमैन है वो इधर से उधर चल रहा है और जो रास्ता है वो बहुत ही ज़्यादा अंधेरा और बहुत ही ज़्यादा खाली खाली है, कोई भी नहीं है वहाँ पे। और जो स्ट्रीट लैम्प यानी जो रोड पे जो
लाइट्स लगी हुई हैं वो एक जाइंट की तरह खड़ी होकर हैं, और उनके सर पे एक बड़ी सी लाल रंग की आँख है, यानी जो लाइट जल रहा है वो उसको आँख से कंपेयर कर रहा है पोएट। जो वॉचमैन है वो अपने लैंटर्न को इधर से उधर घुमाते हुए चल रहा है, और उसकी जो परछाई है वो उसके साइड पे गिर रही है, और वॉचमैन जो है वो कभी भी रात में सोता नहीं है। काश मैं वॉचमैन होता और पूरे रास्तों की ओर देखता रात भर और उन पे चलता और अपने परछाई का पीछा करता अपने लैंटर्न के साथ। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द पोएम। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।